गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल डार्क टर्न में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आज मैंने कुछ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे, क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो देखकर कंसल्ट करके मैंने एक गेस्ट पेपर बनाया है ताकि ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सब्जेक्ट कौन सा है? बिल्डिंग साइंस, भवन विज्ञान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है, एक प्रकार से या कह लो गेस्ट पेपर है। मैंने बहुत सोच समझकर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाकर ये मैंने गेस्ट पेपर बनाया है। और अगर आप इस अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे इस चीज़ को, जितने मैंने इसमें क्वेश्चन पुटअप किए हैं, तो आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गेस्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और वही क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं। ठीक है, और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि इस गेस्ट पेपर में पूर्ण आश्रित मत होइएगा, खुद की पढ़ाई भी कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ एक गेस्ट पेपर बनाया है, अब तक की अब तक की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन हैं वो मैंने इसमें रखे हैं 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, संवातन की परिभाषा क्या है, किसी भवन के संवातन का कार्य और स्थिति क्या होनी चाहिए, चित्र सहित। मैं आप लोगों को बता दूं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। ठीक है, जो मैंने बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा भी और नोट कीजिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग साइंस हो गया या हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसमें आप लोगों को कुछ भी पूछा जा रहा है उसमें आपको फिगर जरूर बना के आना है। ठीक है, ये नहीं कि लिख दिया, 4-5 पेज भर दिए, फिगर एक भी नहीं बनाए। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें आपने 1 या 1.5 पेज भरा है, अच्छे तरीके से लिखा है, अगर उसके बाद आपने फिगर या चित्र अच्छी तरीके से बनाया है, तो जो एग्जामिनर होगा वो 10 में से 8 नंबर आपको बिना सोचे समझ ही दे देगा। लेकिन आपने जब कम से कम 8-10 पेज तक थ्योरी लिखते गए तो वो क्या करेगा कि इसने सिर्फ लिखा ही है, चित्र नहीं बनाया है, तो इसको क्या करेगा, 10 में से 5 या 6 नंबर ही देगा मुश्किल से। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि पेपर में चित्र या फिगर जरूर बना के आइएगा। ठीक है, इस पेपर में मैंने चित्र सहित ये भी हर चित्र में लिख के रखा है, हर एक क्वेश्चन में देखिए है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, जल के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जलीय चक्र की क्रिया तथा प्रमुख बिंदुओं का संक्षेप में वर्णन करें चित्र सहित, समझे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जल की अशुद्धियों के बारे में वर्णन करें, जल उपचार में प्रमुख क्रियाओं के बारे में चित्र सहित वर्णन करें। जल की अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं और कैसे क्या होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बतानी हैं। और जल के उपचार में जो भी आप जल उपचार में स्टेप होते हैं वो सब आपको लिखने हैं, बताने भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जल वितरण में प्रयोग की जाने वाली पाइप तथा पाइप जोड़ों के बारे में वर्णन करें। तो जल वितरण में प्रयोग की जाने वाली पाइप, भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करना है आपको, तो बहुत सारी मटेरियल की पाइप आती हैं, लोहे की भी आती हैं, पीवीसी की भी आती हैं। ठीक है, और रस्ते की भी आती हैं। ठीक है, तो सभी जितनी भी प्रकार की पाइप होती हैं उनका वर्णन करना है आपको। और जो जॉइंट होते हैं, चाहे पीवीसी में हो चाहे आयरन में हो, उसमें जोड़ करते हैं ना, टाइप ऑफ जॉइंट्स जिसे बोलते हैं, उनके बारे में भी वर्णन करना है चित्र बना के, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जल वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं तथा जल वितरण विन्यास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। जल वितरण प्रणाली बहुत सारी होती हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण हो गया,
गुरुत्व प्रणाली हो गया, पंपिंग प्रणाली हो गया, ठीक है, तो उसकी भी आपको फिगर बना के ही आना है। और उसके बाद आपका जल वितरण विन्यास में लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिसमें से कि आपका आता है सर्कुलर आता है, रिजिड आता है, ठीक है, डेड एंड आता है, ये सब आपको समझा के आना है। ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन पेपर आ गया है तो आपको वहाँ पे एग्जामिनर को लिख के समझाना है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है इसको मैं इस तरीके समझा रहा हूँ। लिखा भी है आपने, फिगर बनाया है, तो बिना सोचे समझे आपको अच्छे मार्क दे देगा और आप अच्छे मार्क गेन करोगे, ठीक है, और आपकी इससे नॉलेज भी बढ़ेगी। लिखने से नॉलेज नहीं बढ़ती है, अगर आप किसी चीज़ के पार्टिकुलर फिगर बना के आओगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी, साथ में आपके मार्क्स भी गेन होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, स्वच्छता अभियंत्रिकी के कार्य सिद्धांत। भाई स्वच्छता अभियंत्रिकी कार्य सिद्धांत क्या है? घर में स्वच्छता रखने की तो क्या करोगे, जो भी गंदगी हो रही है उसको इकट्ठा करोगे, समय समय पर उसे बाहर फेंकोगे, फेंकना नहीं है, जो आपकी म्यूनिसपैलिटी या नगर पालिका की जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं वहाँ पर जाके डालना है हमें, तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, अभियंत्रिकी के कार्य सिद्धांत हो गए, आपके सिद्धांत अपनाते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, सीवरेज प्रणाली से आप क्या समझते हो, प्रकार और इनके प्रकारों का अभिवर्णन करो, ठीक है। सीवरेज प्रणाली क्या है जानते ही आप लोग, आपने अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात, वाहित मल प्रणाली विन्यास तथा सीवरों के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें चित्र सहित। वाहित मल प्रणाली का विन्यास, भाई जो आपके घर में वेस्ट होता है वाटर क्लोजेट का, WC का, ठीक है, तो उसको आप क्या करते होगे, उसके भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के प्रकार है ना, तो आपने पढ़ रखे होंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको कर लोगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ ना कुछ इसके इक्विपमेंट भी होंगे, जैसे सीवर इसका एक मुख्य इक्विपमेंट है, ठीक है। तो सीवर क्या होता है, सीवर का वर्गीकरण, सीवर जो होती है कितने प्रकार की सीवर होती हैं, अंडाकार होती है, सर्कुलर होती है, ठीक है, और आपका हल्का सा ज्यामिति आकार का होता है, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, ट्रैप क्या है, ट्रैप के आप वाटर क्लोजेट में ट्रैप होता ही है ताकि जो हमारी गंदगी जो स्मेल वगैरह होती है आपके सेप्टिक टैंक की, वो ट्रैप से रुक जाती है, क्योंकि ट्रैप में एक प्रकार की सील ऑफ वाटर होती है, तो जो स्मेल होती है वो रोक देती है। और ये सील किस में होती है, ट्रैप में। ट्रैप कितने प्रकार के होते हैं, ट्रैप अन्य प्रकार के होते हैं, आकार के अनुसार भी होते हैं, मटेरियल के अनुसार होते हैं, ठीक है। तो अगर आकार के अनुसार पे कहें तो PQ, ठीक है, PQS टाइप में भी आपके ट्रैप होते हैं, उनको बढ़िया तरीके से लिखना है, समझाना है चित्र सहित, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जल निकासी की नलकारी प्रणालियों के बारे में वर्णन करो। अब जल निकासी मतलब कि अगर आपको कहीं जल जो है स्टोर किया गया है डैम में, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं नलकारी प्रणालियाँ बनाई गई हैं। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को कर लोगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेहनत कर ली होगी। और 6 तारीख को जो इसका एग्ज़ाम आने वाला है, 6 फरवरी 2023 को, तो आप अच्छी तरीके से इसको कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ध्वनि की परिभाषा बताइए, ध्वनि का परावर्तन अपवर्तन तथा आवर्तकाल पर टिप्पणी करें। भाई ध्वनि क्या है, अगर मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो यही ध्वनि हो गई, ठीक है। ध्वनि वही है जो एक समय के अंदर हमारे कानों में गूंजती है और ताकि वो हमें सुनाई देती है, वही ध्वनि हो गई। ध्वनि का परावर्तन मतलब कि जो हम आपके सामने बोल रहे हैं वो वापस लौट के आ रही है, परावर्तन हो गया। अपवर्तन मतलब कि किसी चीज़ में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अब मुझसे 10 मीटर दूर खड़े हो वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए तो उसे बोलेंगे अपवर्तन। और आवर्तकाल क्या होगा, अगर मैं किसी रूम में चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाने के बाद वो जो आवाज़ गूंजती रहती है कुछ समय के लिए, तो उसे बोलते हैं ध्वनि का आवर्तकाल, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से फिगर वाइज
बना के आओगे। फिगर कहाँ है? फिगर आपकी बुक में है, अगर नहीं है तो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। उत्थापक की परिभाषा तथा प्रकार के बारे में वर्णन कीजिए। उत्थापक क्या है भाई? लिफ्ट, लिफ्ट को हिंदी में उत्थापक ही बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो टेक्निकल टर्म होते हैं भाई, उसकी शिफ्ट होती है, सॉरी शिफ्ट नहीं, शाफ्ट बोलते हैं उसे, शाफ्ट बोलते हैं। व्हील, व्हील होता है, वायर होती है, डैम होता है, ठीक है। तो ये आपकी लिफ्ट में होती है, और एक लिफ्ट के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि लिफ्ट की भी क्षमता होती है और एक डायमेंशन भी होती है, 1500 बाई 1850, ये आपके 2 से 4 लोगों के लिए हो गया, ठीक है। और उसके बाद इससे बड़ा 1850 बाई 2500 mm की बात कर रहा हूँ, ये हो गया 4 से ज़्यादा लोगों की बात, ठीक है। तो वजन के अनुसार भी हमारी लिफ्ट का वर्गीकरण किया गया है, समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बारे में। चल सोपान, जिसे बोलते हैं एक्सेलेटर, चल सोपान क्या होता है? चल सोपान जो हमारी एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक पहुंचा दे, ठीक है। जो लोग असमर्थ होते हैं चलने में, तो सिंपल सा आपने कितने भी एयरपोर्ट्स वगैरह होंगे और आपके रेलवे रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह होंगे, तो वहाँ पे एक्सीलेटर वगैरह लगे होते हैं। मॉल वगैरह, आप तो मॉलों में भी लगने लगे हैं, तो इसे बोलते हैं चल सोपान। अब उनके घटक क्या होते हैं? चल सोपान में राइजर भी होती है, टेड भी होती है, हैंडरेल होती है, ठीक है, लिफ्ट होती है, व्हील होती है, मोटर होती है, वाटर बेल्ट, मेटल बेल्ट होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके चल सोपान के घटक हो गए, टर्म, टेक्निकल टर्म चल सोपान के। और चल सोपान का अच्छे से अच्छा फिगर बना के आइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, मैंने अब तक आप लोगों को जो समझाया है वो एक थ्योरिकल हो गया, क्वेश्चन नंबर पूरा दे दिया गया, ये है, ये है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में जरूर पूछेगा कि एक क्वेश्चन देगा कि किन्हीं 5 पर लघु टिप्पणी करो, ठीक है। अब लघु टिप्पणी उसमें से क्या करेगा, 8 दे देगा, उसमें से 5 करने होंगे आपको। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जैसे ये मैंने दे दिया, उसके बाद ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब किन्हीं 5 पर लघु टिप्पणी करो। अब 8 दे रखी हैं, जो आपको इसमें इजी लगे, जो आप लोगों को आता हो अच्छे से, तो उसी पे आप लोग इस पर टिप्पणी करना। कम से कम ये 2 से 3 नंबर की होती है एक, ठीक है। 15 नंबर की ये आती हैं लघु टिप्पणी, 5 × 5 = 15 हो गया आपका, तो 1 3, तो मुश्किल से आप आधा पेज लिखोगे और आधे पेज में अच्छा सा फिगर बना के आओगे। अगर सेपरेट रैंक आ गया तो बता दोगे। फिर उष्मा विनिमय प्रक्रिया क्या होती है भाई? उष्मा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। छाया कोण क्या होता है? जो हमारी सनसेट होती है ना, जो जिसे बोलते हो छज्जा, जो हमारे खिड़की के ऊपर लगा होता है, तो उसे एक ऐसा तरीके से बनाया जाता है ताकि जो हमारी सूरज की छाया आ रही है वो अंदर ना जा पाए। तो वो जो एंगल बनता है तुम्हारा सनसेट जो छज्जे का और उसके बाद छाया का, उसे बोलते हैं छाया कोण, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वो छाया कोण जो है आपका 30 से 45, मतलब 30 से 45 अंश के कोण पे बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर, उत्सृत झरने। उत्सृत झरने क्या होते हैं? बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, पानी वगैरह जब गिरता है तो उसमें अपने आप रूप, अपने आप पानी निकलने लगता है, तो उसे बोलते हैं उत्सृत झरने। अब बात करते हैं रिसेंट गैलरियाँ। जो गैलरियाँ होती हैं, रिसेंट गैलरियाँ, जो बड़े बड़े आपके तालाब हो गए, नदियाँ होंगी, उनके उनमें बनाई जाती हैं, ठीक है। रिसेंट, तो उसमें जो पानी जो होता है रिसता रहता है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। अवसाधन टैंक, अवसाधन टैंक क्या होता है? ये एक जल उपचार में प्रयोग किया जाने वाला टैंक होता है, या जल उपचार के प्रयोग में किया जाने वाला एक प्रोसेस। अवसाधन टैंक क्या होता है? अवसाधन टैंक में बहुत सारा पानी भरा जाता है, उसमें क्या होता है, 1, 2 या 3, 4 घंटे के लिए पानी को शांत अवस्था में रख दिया जाता है, और जितनी भी मोटी मोटी इसमें गंदगी होती है वो नीचे जम जाती है, और ऊपर ऊपर का पानी हम लोग आगे स्टेप के लिए भेज देते हैं। तो ये हमारा अवसाधन टैंक हो गया। ऊनीकरण क्या हो गया? ऊनीकरण ये हो गया जैसे कि पानी में जितनी भी
गंदगी है उसमें हवा देकर जितनी भी है हवा देकर जब जो अगर हम पानी में देंगे तो पानी पानी आगे गंदगी आगे भागेगी, पानी नीचे रह जाएगा। तो यह हो गया उन्नीकरण। जल टोटी आप लोग समझते ही हैं, जो हमारे पानी में निकालने के काम आती है वो जल टोटी होगी, उसका सबका फिगर बना के आना है, समझे? ये जो ध्यान रखिएगा, अगर तीन नंबर पूछता है तो चार पांच लाइन लिखिएगा, उसके बाद आप फिगर जरूर बना के आइएगा, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, किन्हीं तीन पर लघु टिप्पणी करें। अब बात करते हैं मैन होल। एक नंबर पे मैन होल है। मैन होल क्या है? मैन होल वो है जो आपके सीवर टैंक हो, सीवर लाइन जो होती है ना, तो सीवर लाइन में बीच बीच में गोल गोल तरीके से एक होल टाइप में, जैसे रोड टाइप, रोड हो गया, आपने तिरंगा मूवी देखी होगी, तिरंगा मूवी में जो नीचे से सीवर लाइन से घुस कर उसकी गाड़ी में वो लगा देता है, क्या नाम उसका, बम, तो वो डिब्बा खोल कर, तो वो जो होता है ना, जो खोलता है ना, वही होता है मैन होल, ठीक है। ये मैंने बैक स्ट्रीट एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया, आप लोग नहीं भूलेंगे। अब बात होती है एकल पाइप प्रणाली। एकल पाइप प्रणाली क्या है? ये भी एक जो आपका घर का वेस्ट होता है, वेस्ट को निष्कासित करने का एक प्रणाली है। एकल प्रणाली में क्या होता है, जो आपका किचन का वेस्ट होता है और वाटर क्लोजेट जो आपके WC का वेस्ट होता है, वो एक ही पाइप के द्वारा आपके सीवर लाइन में भेजा जाता है। तो ये होता है इसे एकल पाइप प्रणाली। ये एकल पाइप प्रणाली बहुत पुराने समय में यूज होती थी, अब यूज नहीं होती है। अब क्या होता है, द्वितीय पाइप प्रणाली, जिसमें वाटर का अलग, वाटर क्लोजेट मतलब WC का वेस्ट अलग जाता है और आपका ये जो किचन और आपका बाथरूम का वेस्ट अलग जाता है, ठीक है। ऊर्जा मापी क्या होता है, जो ऊर्जा को मापने वाला यंत्र जो होता है उसे ऊर्जा मापी कहते हैं। चार नंबर साइरन। आपने जितने भी होटल हो गया आपका, और आपका जितने भी कमर्शियल पब्लिक एरिया हो गए, कमर्शियल कह लो या पब्लिक, तो वहाँ पे क्या होता है, एक यंत्र लगा होता है। यंत्र काहे के लिए, जैसे कि एक डिब्बानुमा आकार का एक यंत्र होता है, उसकी अगर उसके संपर्क में अगर धुआं आ जाता है ना, तो वो बहुत तेज बजने लगता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं साइरन। समझ गए आप लोग? अब बोलते हैं अनुरणन काल। अनुरणन काल या आप लोग कह लो आवर्तकाल, ये आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। अब क्या है आवर्तकाल, क्या है गूंजना, जितने समय के लिए गूंज रही है उसे आवर्तकाल बोलते हैं। और अनुरणन काल क्या होता है, जाक आवाज, मैंने बोली आवाज़ उसके बाद टकरा के फिर वापस आई, फिर टकरा के फिर वापस गई, तो ये जो हमारा एक दो स्टेप में कार्य हो गया ध्वनि का, ये होता है अनुरणन काल, ठीक है। अब बात करते हैं छठे नंबर पे धुआं बोधक। धुआं बोधक क्या है, धुआं बोधक और सायरन एक ही समझ लीजिए। धुआं बोधक घर में या आप जितनी भी पब्लिक और कमर्शियल एरिया होती हैं वहाँ पे ये इसका यूज़ किया जाता है, ताकि अगर कोई भी आग वगैरह लगे तो ये जो है ये आपको बता दे कि हाँ खतरनाक समय में ये काम आए, तो एक प्रकार की धुआं बोधक का कार्य करता है, ठीक है। दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है केवल अनुमानन स्वयं की तैयारी को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है, ये नहीं कि ये मैंने लीक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने अपने मन से और प्रीवियस ईयर को पेपर को देखते हुए ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चीज़ें बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप है, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड होगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।